चलना शुरू हो गया। तो यहाँ पे पहले मैं ट्रेड बता देता हूँ, 900 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है लगभग 21 रुपए के आसपास अब तो पहुंच गया है। इसमें 70 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 28 से 30 रुपए का टारगेट होगा। और एक जो अहम डेटा पॉइंट है, कुछ समय पहले जब हम देख रहे थे तो मल्टीपल स्ट्राइक्स में कॉल राइटर्स में काफी हैवी राइटिंग था, लेकिन अब पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज होता हुआ दिख रहा है, जहां पे 880 के जो कॉल राइटर्स है वो ट्रैप हो गए और 900 के जो कॉल राइटर्स है वहां पे, जो सिग्निफिकेंट कॉल राइटर्स थे वहां पे थोड़ा अनवाइंडिंग होना शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल प्रिपेयर्ड है एक न्यू हाई बनाने के लिए और मैकडॉनल्ड्स पे खरीदारी कराई होगी। अरविंद के अंदर मोमेंटम बन रहा है, लास्ट दो दिनों के हायर लेवल्स पे आ चुका है, स्टॉक ओवरऑल तेजी के ट्रेंड में है, मई के हायर लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक में आने वाले दिनों के अंदर 8-10% का अपसाइड मूव यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 103 रुपया नीचे में सपोर्ट है, 103 के स्टॉप लॉस है। अरविंद में यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें, ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 112 रुपए से लेके 118 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में अरविंद में देखने को मिलेंगे। एक बार स्टॉक 118 का लेवल क्रॉस करेगा तो 125 से 130 रुपए तक का मूव पोजिशनली अरविंद के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें, 103 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 112 118 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे और पोजिशनल टारगेट 125 रुपए तक के अरविंद में देखने को मिल सकते हैं।